तो जो यहाँ हमला करने आए वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो, असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। एक एक हिंदू आक्रोशित है तो ये नहीं कर सकते, बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, जो आर पार की जंग होगी उसके लिए फिर तैयार रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, अब मुल्क के मौजूदा हालात पर बोलना भी मुनासिब नहीं लग रहा, क्योंकि आपको रोजाना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हर कोई जहर उगलना लगे उसे क्या कहा जाए। अब तो नबी की शान में गुस्ताखी करना गोया रोजमर्रा की बात बनती जा रही है। मुसलमानों को भी अपने मौकूफ को समझने की जरूरत है। समाज माशरे में तब्दीलियां यूं ही नहीं आती। यति नरसिम्हानंद ने नबी की शान में तौहीन आमोज अल्फाज इस्तेमाल किए, साथ में खुल्फाए राशिदीन पर भी नागवारा जुमले कहे। जाहिर है अब ये नफरती चिंटू है तो इसका काम ही यही हुआ, पर इन तमाम हालात के दरमियान मुसलमानों का क्या रद्द अमल होना चाहिए, इस पर ना तो कोई मौलवी कोई तंजीम इदारा बात करने को तैयार नहीं है। मुसलमान जज्बात में आकर सड़कों पर उतर रहा है, पर इन्हें लेकर क्या क्या कहा जा रहा है ये भी समझने की जरूरत है। यति नरसिम्हानंद के बयान के बाद एहतजाज किया गया, लिहाजा इस एहतजाज में शरीक होने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यति नरसिम्हानंद को भी गिरफ्तार किया गया, अब इसमें भी गिरोहबंदी है। अब हिंदुत्ववादियों के कुछ अंदरूनी इख्तलाफात है, जैसे पहले भी आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद के वक्त वीएचपी के प्रवीण तोगाड़िया उमा भारती की अलग एक हिंदुत्व की पहचान बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, लिहाजा इन्हें मोदी के हिंदुत्ववादियों ने इन्हें अलग थलग कर दिया। अगर पीछे पलट कर देखते हैं तो बाबरी मस्जिद राम मंदिर तहरीक के जरिए भाजपा को जो कुव्वत बख्शने वाले लोग थे उन्हीं को मोदी शाह ने बाहर कर दिया, अडवाणी भी इसको बतौर नमूना देखा जा सकता है। खैर अब बात करते हैं मौजूदा दौर में मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियों की, जबकि हकीकत यह भी है कि कोई मुसलमान या मौलाना मुफ्ती मजहबी रहनुमा हिंदुओं के किसी भी मजहबी मामलात में दखल नहीं देते और नहीं किसी तरह बयान हिंदू मजहब को लेकर देते रहते, लेकिन बिला वजह कुछ फिरका परस्त ज़हनियत के लोग खामखा मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये आदत बनती जा रही है। आज इस मौजू पर बोलने क्या है मुझे ये भी है कि आखिर इस समाज का कोई पुरसाने हाल है या नहीं, ये भी बात को समझने की जरूरत है कि कुछ लोग इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया तरीका यह भी निकाला गया है कि इस्लाम दीन मुसलमान नबी खुल्फाए राशिदीन को कुछ भी भला बुरा कहना और फिर मुसलमान इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं तो उल्टा मुस्लिम नौजवानों पर ही एफआईआर दर्ज करना, अब तो एहतजाज करने वालों को एनकाउंटर करने की तक धमकी दी जा रही है। मतलब ये देश विरोधी लोग हैं, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। अब यहाँ दो तस्वीरें देखने को मिल रही है। डासना मंदिर के यति नरसिम्हानंद को हिरासत में लिया गया, पर अब तक न तो रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया गया और ना ही नीतीश राणे को हिरासत में लिया गया। कर्नाटक में भी कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद यत्नाल आराम से घूम फिर रहा है मुसलमानों को जो चाहे कहकर। मतलब आखिर किस सतह की साजिशें चली जा रही है इसे मुसलमानों को समझने की जरूरत है। अगर एहतजाज करते हैं तो मुस्लिम नौजवानों पर मुकदमे और जेल में बंद किया जाता है, और एहतजाज न करते हुए गुस्ताखे रसूल पर मुकदमे दायर किए जाते हैं तो फिर कार्रवाई नहीं की जाती। मतलब सीधा है कि मुस्लिम नौजवानों को सड़कों पर उतार कर इनकी जिंदगियां इनका मुस्तकबिल तबाह करना है। भाजपा का एमपी नंदकिशोर गुर्जर का ये बयान सुनिए कि किस हद तक ये बौखलाया हुआ है और मुस्लिम कौम को लेकर किस इंतहा तक इसमें नफरत है। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम रहनुमा दीनी सियासी आखिर क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें इनके जिम्मेदार आखिर अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं, जब सियासत के वक्त आप इस पार्टी को वोट देने के लिए एक जगह पर अपने सरों को जोड़ते हैं तो फिर इस्लाम पर इतने हमले हो रहे तो फिर कहां है उम्मत का बड़ा तबका, आखिर किसके पास जाकर अपनी फरियाद दर्ज करे। जितना लग रहा है उतना आसान मसला नहीं है यह समझने की जरूरत है। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में मामला और भी संजीदा बन जाएगा। आज ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर पर मुसलमानों को भड़काने उकसाने का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया, एक तरह अजीब कश्मकश का मामला देखने को मिल रहा है। आज हम न्यूज बना रहे, पता नहीं कल को हमारे साथ भी क्या हो सकता है। हुकूमतें बदलती हैं तो इंतजामिया का नजरिया भी बदल जाता है। अब कोई पार्टी किसी का कोई मौकूफ नहीं है, इख्तदार की खातिर कौन भाजपा कौन कांग्रेस किधर से किधर जाए पता नहीं। बड़े ही शातिर तरीके से मिल्लत के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
महमूद बंदी के बयान के बाद खासकर एनआरसी को लेकर जो बयान दिया गया, मुखालिफत की लहर देखी गई। महमूद बंदी ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी तकसीम की सियासत ओवैसी कर रहे कहा था। खैर, मुल्क के मुस्लिम क़यादत का फुकदान उम्मत के लिए बड़ा खतरा महसूस किया जा रहा है, पर हालात को कैसे काबू में लाया जाए क्योंकि मुसलमानों का भी मामला अजीब है। HDPI, MIM, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फोरम, WPI मुसलमानों की पार्टियां तो है लेकिन आवाम यहां वोट करती नजर नहीं आ रही। मुसलमानों का ज्यादातर तबका कांग्रेस को या फिर यूपी में समाजवादी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी, इस तरह जहां भी भाजपा के खिलाफ मजबूत सेक्युलर पार्टी है उसे वोट करते हुए देखा जा रहा है और एक तरह से मुसलमानों की मजबूरी कह सकते हैं। इंडिया अलायंस को इस बार कामयाबी भी हासिल हुई है तो ये एक तरफा मुसलमानों की वोटिंग से ये भी उतनी ही सच्चाई, लेकिन मुसलमान एक तरफा वोट करने से भी भाजपा को तब तक हरा नहीं सकता जब तक दिगर समाज के भी वोट सेक्युलर पार्टियों को नहीं दिए जाते। हिंदुत्व की बुनियाद पर अक्सरियत समाज को माइल करने में भाजपा नाकाम होता देख अब हिंदुत्व तंजीमों ने और खासकर भाजपा ने शिद्दत अख्तियार करना शुरू किया हुआ है और सेक्युलर पार्टियां जाहिर रहे हिंदू वोट बैंक दूर न जाए इसके डर से मौजूदा मसाइल में ज्यादा सख्ती करने से भी कतराते हुए देखा जा रहा है। पर इस तरह सीधे मजहबी मामलात में हमलों के मद्देनजर दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमा की खामोशी मिल्लत के बड़े तबके को किस सिमत में जाना है समझने से कासीर है। आज भी किसी भी मस्जिद में आने वाले हालात, मौजूदा दौर में क्या मनसूबाबंदी हो, बयान नहीं दिए जाते। अब तक जो भी बयान दिए गए ठीक है लेकिन दिन ब दिन बदतर होते हालात पर उमूमी तबसरा नहीं किया जा रहा है। जाहिर है जज्बात में कुछ नौजवान सड़कों पर उतरते हैं तो इसका असर किस हद तक होगा और कितनी कीमत समाज के दिगर तबकात को चुकानी पड़ सकती है इसका भी तो अंदाजा जरूरी हो जाता है कानून के दायरे में रहते हुए, क्योंकि अब यही एक रास्ता है। आखिर क्या किया जाए, अगर नहीं कर सकते तो क्या शक्ल होनी चाहिए। कुछ लोग इसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साजिश को भी समझना सबसे अहम हो जाता है क्योंकि खुला दुश्मन तो समझ में आता है पर कौम के नाम पर अपना कारोबार करने वाले सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मिल्लत तब मुंतशिर हो जाती है जब कोई रहनुमा कायद नहीं रह जाता और सही राह दिखाने वाला नजर नहीं आता। एक तवील जद्दोजहद की जरूरत है और इस मिल्लत का दर्द मुखलिस बनकर अपने सीनों में रखने वाले कायद की तलाश है जो आज की तारीख में कहीं पर नजर नहीं आ रहा, ये भी उतना ही सच इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है क्योंकि तो महाराजी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं इस तरह के हालात है उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से ये सनातन धर्म पर हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। या पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है और महंत भी मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करने आए वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो, असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता हूँ पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पर जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक एक हिंदू आक्रोशित है। अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है, ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए, तो ये नहीं कर सकते। बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, जो आर पार की जंग होगी उसके लिए फिर तैयार रहें।